दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 11 से रिलेटेड। अगर आप रेडमी नोट 11 स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों इसके अंदर एक और हाइपर ओएस का न्यू अपडेट यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है अगर आप रेडमी नोट 11 के यूज़र्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अपडेट की बात करें यहाँ पर इसके अंदर आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है जून का। जी हाँ, वो जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। धीरे धीरे जून के सिक्योरिटी पैच के साथ में अपडेट आने लगे हैं Xiaomi या MI फोन्स के अंदर। ठीक है, अगर आप Redmi Note 11 स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपने इसको अपडेट अपने फ़ोन को किया है या नहीं। और दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी थी, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को ताकि आपको अपडेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपडेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको जून का सिक्योरिटी पैच के साथ में अपडेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ की अगर हम बात करें तो करीब करीब 450 से ऊपर MB का अपडेट का साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जून के सिक्योरिटी पैच के साथ में आता है। और दोस्तों जो अपडेट पिछला आया था उसके अंदर कुछ बग्स वगैरह भी थे Xiaomi हाइपर ओएस का, पर दोस्तों एक और न्यू अपडेट आ चुका है जून के सिक्योरिटी पैच के साथ में। इसके अंदर जो पुराने बग्स थे जो कि पहले अपडेट के अंदर कुछ एनिमेशंस वगैरह से रिलेटेड बग्स थे तो उसे यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। अगर आप रेडमी नोट 11 स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपने अपने फ़ोन को अपडेट किया है या नहीं। अगर दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर अभी भी ये वाला अपडेट शो नहीं हो रहा है जून के सिक्योरिटी पैच वाला तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक या दो वीक के अंदर अपडेट देखने मिल जाएगा सभी यूजर्स को। अगर आपके फोन के अंदर ये वाला अपडेट अभी भी शो हो रहा है तो जल्दी से अपडेट कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है ये अपडेट बाद में गायब हो जाए, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए अपडेट कर लीजिए, नहीं मिला है तो बहुत जल्द अपडेट देखने को मिल जाएगा जून के सिक्योरिटी पैच के साथ में। दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर।